जय हिंद। उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज मेरे द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है, वह YouTube पर मात्र रात्रि 9 बजे तक वह सर्वे किया जाना है। आप सभी उस सर्वे में जो है भाग लीजिए और उस सर्वे से मालूम किया जा सकता है कि बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की जो बहाली लगभग 12 वर्षों से नहीं निकली है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसमें बहुत सारे कारण हैं जो मैं इस सर्वे के बाद बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूं। देखिए, मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी, सटीक जानकारी दी जाएगी। मेरा मकसद यह नहीं कि मैं अपने चैनल पर कुछ से कुछ बोल करके व्यू को बढ़ा दूं। कुछ यूट्यूबर को देख रहा हूं कि कुछ से कुछ बोल करके आपको गलत मैसेज दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें ढिंग हाँक रहे हैं कि 25 फरवरी को बहुत बड़ी बातें होने वाली है, ये वो दिस डैट। मैंने इसका भी खंडन पहले से किया था कि 25 फरवरी को कुछ भी नहीं होने वाली है और मुझे इंतजार था। मेरे पास तो ऐसा कोई खबर अभी तक नहीं आया है। यदि आपके पास कोई ऐसी खबर है, कोई सूचना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में अपना कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन इतना जो है मैसेज अवश्य मिल रही है कि मार्च में जो है वैकेंसी आ सकती है। मैं वो भी गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, जैसा जानकारी दी जाती है मैं वो जानकारी आपको मैं शेयर कर देता हूं। तो अब देखिए कि मार्च में यह वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या या ये फिर हाई कोर्ट का जो है फैसला के बाद ही कुछ फिर होने वाला है, ये आने वाला समय ही आप लोगों को बता देगा। आज की क्लास जो है कंप्यूटर की पीढ़ी पर आधारित क्लास है। जो देख रहे हैं कि मैं प्रायः एक क्वेश्चन जो है इसमें से फिक्स है पूछा जा रहा है, तो आप बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और पिछला वीडियो में मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे मैं उसका जो है संडे बॉक्स में जो है कमेंट को दिखाऊंगा, उनका नाम भी पब्लिश करूंगा। तो बहुत सारे जो है कमेंट किए हैं जो कल मैं उनका नाम पब्लिश करूंगा, कमेंट भी दिखाऊंगा कि वो सही जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं। गलत जवाब देने वालों का नाम मैं पब्लिश नहीं करूंगा, सही जवाब देने वालों का ही नाम पब्लिश करूंगा। इसलिए घबराइए नहीं कि मैं गलत जवाब दे दूंगा तो सर मेरा नाम बोलेंगे क्या होगा। मैं सही कमेंट, सही जवाब देने वालों स्टूडेंट्स का ही कमेंट मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आज जो है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, ये कंप्यूटर की जो हर पीढ़ी अभी तक है उसमें मैं प्रथम पीढ़ी की ही बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, क्योंकि पूरे जो है मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अर्जुन बैच भी मेरे द्वारा चलाई जा रही है जो 9 मार्च से आरंभ हो जाएगी। 27 फरवरी से ही आरंभ होने वाली थी लेकिन या 9 मार्च से आरंभ होगी। तो जो स्टूडेंट इच्छुक हैं वह तैयारी में जुट जाइए और वैकेंसी आएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यह आपको 2 से 3 महीना के अंदर में वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद जो तैयारी कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, तैयारी नहीं ज्यादा कर पाइएगा, इसलिए पहले से तैयारी में जुट जाइए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। आप लोगों का शेड्यूल भी जो है बैच में जो है जारी कर दिया गया है किस दिन कौन क्लास चलेगी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो है
जो अभी YouTube पर देख रहे हैं, जो बैच से पहले जुड़े हुए हैं B2 बैच से, वह अपने शेड्यूल के अनुसार जो है क्लास को अटेंड कीजिए। अब टेस्ट भी शुरू हो जाएगी कल से, टेस्ट भी दीजिए और वैकेंसी आएगी ही, तैयारी मन लगा करके कीजिए। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की ओर मैं ले जा रहा हूं। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में यह देख लीजिए, कंप्यूटर का विकास जो है वैज्ञानिकों के निरंतर चल रहे प्रयासों का ही तो परिणाम है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर एक ही दिन में जो है इसका खोज कर दिया गया, इसका विकास हो गया, या प्रत्येक दिन अभी भी जो है इसमें निरंतर जो है प्रयास चल रहे हैं, एक से एक कंप्यूटर का जो है खोज किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का उद्देश्य जो है कंप्यूटरों को अधिक उपयोगी, सुविधाजनक, सस्ता, कोटा और तीव्र गति से कार्य करने वाला एवं अधिक विश्वसनीय बनाना है, और इसी पर जो है वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के मद्देनजर कंप्यूटर में निरंतर सुधार होता जा रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से जो 1945 तक चली थी के बाद कंप्यूटर का जो है विकास बहुत तेजी से होने लगा, और यह 1942 से जो है 1955 का जो दौर जो है कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी का दौर रहा। इसमें सरकारी अमेरिकी जो है एजेंसी के द्वारा यूनी मार्क 1 जो है कंप्यूटर का खोज किया गया, और इस युग में कंप्यूटर का विकास जो है परीक्षण का दौर रहा, और 1946 में ही जो है प्रारंभ जो हो चुका था वह मार्क 1 के नाम से, और उस कंप्यूटर का विकास जो है सबसे पहले हुआ था। तो यह दौर जो है 1942 से 55 का दौर जो है प्रथम पीढ़ी का दौर रहा। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी का दौर कौन सा है, तो 1942 से 1955 तक। लेकिन कंप्यूटर की डिमांड जो है पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो है इसमें सबसे ज्यादा तेजी से जो है दुनिया में इसका डिमांड किए जाने लगे। और पहले जो है कंप्यूटर ये छोटा नहीं था, पहले बहुत बड़ा, एक मकान की तरह बहुत बड़ा था यह प्रथम पीढ़ी का, और आज यह एक छोटा सा बन गया है। अब तो ऐसा ऐसा बन गया है जो आप पॉकेट में भी लेकर के चलने लगे हैं। अब तो ऐसा कंप्यूटर भी बन गया है, मोबाइल भी तो क्या है, कंप्यूटर का ही रूप है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां कहा जाता है। अब ऐसा ऐसा डिवाइस भी आ गया है जो आप अपने नाखून में भी क्या करते हैं, उसको सेट कर लेते हैं। महिला जो नथिया पहनती है, झुमका पहनती है, उसमें भी छोटा सा डिवाइस के तौर पर ये है उसमें, तो वह सब भी कंप्यूटर का ही तो क्या है, एक रूप है। आज इसी के बारे में मैं चर्चा विस्तार से कर रहा हूं। आप वीडियो को क्यूट मत कीजिए, घमंड मत कीजिए कि मैं बहुत जान रहा हूं। अच्छी बात है जान रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर रिवीजन हो जाएगा, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप नहीं जान रहे हैं, वो भी आप यहां बात समझ सकते हैं। यह कंप्यूटर की पीढ़ी जो है प्रथम पीढ़ी, यह कंप्यूटर के में निर्वात नलिका या निर्वात बल्ब का उपयोग करके बनाया गया था। जैसे पिक्चर ट्यूब वाले टेलीविजन जो पहले का देखे हुएगा, पीछे से जो निकला हुआ रहता था वो भी क्या था, वैक्यूम था। अब आज एलईडी के रूप में आ गया है, फ्लैट के रूप में, और ऐसा ऐसा भी आ गया है जो फोल्ड कर लीजिए और मोड़ करके कहीं भी ले जाइए। तो इस प्रकार का जो है पहले जो है यह कैथोड रे ट्यूब, जिसको CRT कहते हैं संक्षेप में, उस पर आधारित था।
उसी प्रकार कांच के निर्वातित वायु रहित कक्ष में उचित इलेक्ट्रोड्स लगाकर डायोड, ट्रायोड, ट्रायोड आदि बनाए जाते थे और कंप्यूटर बनाया गया था। इसे इनाइक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी को किस नाम से भी जाना जाता है तो क्या होगा? इनाइक। इसे लगभग 18,000 निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा बनाया गया था। इसका भार जो है पहला कंप्यूटर का 30 टन था और यह 20 फीट लंबा और 40 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ था। इतना जगह जो है छेदता था और जोड़ने एडिशनल की संक्रिया में से लगभग 200 माइक्रो सेकेंड अर्थात 0.2 मिली सेकेंड लगता था कोई कैलकुलेशन उसमें जोड़ करने में। तो यह था खूबी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। और यह विश्व का पहला वृहद स्तर का जनरल पर्पज कंप्यूटर था। 1950 में जो है दशक में वैज्ञानिकों, सैनिकों एवं इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक बहुपयोगी यंत्र हो चुका था। उस समय व्यावसायिक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ था, पहले सिर्फ गणना के लिए यूज किया जाता था। और 1946 में ही प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने एकार्ट, मुचली, गोल्डरीन और वर्क के साथ मिलकर के नया कंप्यूटर बनाया और इसमें प्रोसेसर के लिए निर्देशों के समूह प्रोग्राम को संग्रहित किया जा सकता था। इसके बाद नई क्रिया के लिए नया प्रोग्राम संग्रहित किया जा सकता था। इस प्रकार संग्रहित प्रोग्राम के सिद्धांत का जन्म हुआ था। और वॉन न्यूमैन जो है 1950 में एडवेक कंप्यूटर तैयार किया, सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर सन 1949 में मॉरिस विल्किस इंग्लैंड ने एडसेक के रूप में तैयार किया था। और बैनरी ऑटोमैटिक कंप्यूटर बैनक और इसमें यूनिवैक, तो परीक्षा में देखिए ये दोनों शब्द पूछता है, कह देगा कि वैनक और यूनिवैक कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंध रखता है, या इसी में दे देगा वैनक कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंध रखता है तो प्रथम, और यूनिवैक भी क्या है प्रथम। इसके बाद इडवैक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ये सभी जो है प्रथम पीढ़ी का ही क्या है दौर का कंप्यूटर है। इस पीढ़ी के बड़े आकार और बड़ी कीमती वैक्यूम ट्यूब इसमें लगा रहता था और यह खर्चीला भी था, प्लस जो है इसका रख रखाव भी जो है बहुत महंगा था। इसके बाद अब जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त अवयव कौन कौन सा है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा वैक्यूम ट्यूब था जो सीआरटी कहलाता है। इसके बाद इनपुट आउटपुट इकाई पंच कार्ड था, उसमें पहले पंच कार्ड का ही क्या होता था उपयोग होता था। प्राथमिक संग्रहण या मैग्नेटिक ड्रम आंतरिक मेमोरी के रूप में जो है इसमें मैग्नेटिक ड्रम को यूज किया जाता था और इसका लिमिटेड एप्लीकेशंस था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वाणिज्यिक कार्य जैसे वेतन पत्र, पेरोल के कार्य ही करते थे और पहली भाषा दूसरी भाषा असेंबली भाषा थी। इसमें मशीनी भाषा में लिखे जाने वाले निर्देश को एक और जीरो जो बाइनरी नंबर कहलाता है ये संकेतों का प्रयोग करके तैयार किया गया। अभी भी यह कंप्यूटर का यह जो है यह भाषा कोड है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है बाइनरी नंबर से, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
और इस पर मैं एक कंप्लीट क्लास आप लोग का लेने वाला हूँ बाइनरी नंबर पर, और उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है मैं पूरा बता दूंगा। इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन था और 1955-59 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अन्य भाषा विकसित हुई जिसका नाम था इलोमैटिक, असेंबली लैंग्वेज था यह। इस भाग को अमेरिकी महिला प्रोग्रामर डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने तैयार किए थे। तो ये था आपका लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। प्रथम पीढ़ी में सॉफ्टवेयर जो है तो यह किसी समस्या के हल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने बौद्धिक तर्क को कंप्यूटर में एक सांकेतिक भाषा में संग्रहित करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। और यह प्रोग्रामिंग जो होता है किसी एक ही व्यक्ति का देन नहीं है, इसमें भी बहुत सारे व्यक्ति का देन होता है। एक ही कंप्यूटर में इस प्रकार के कई वाल्वों की आवश्यकता होती है। इन नलिकाओं या बल्बों के बड़े आकार, कांच का नाजुक देखकर, अति उच्च लागत, उच्च प्रारंभिक वोल्टेज जो इसकी प्रचलन ऑपरेशन और फंक्शनलिंग के लिए आवश्यक थी, किसमें, तो प्रथम कंप्यूटर में। और इसका आकार बहुत था और थोड़ा भी चोट लगने पर वह वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, नष्ट हो जाता था। और इस यह जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था और इसको चलाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। और आज तो एक बैटरी पर भी क्या है चलने वाला कंप्यूटर सब है। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंसिपल एकवर्ड और जॉन मुचली के द्वारा 1946 में बनाया गया था। यह भी पूछ सकता है कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहां तैयार किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, किसके द्वारा, तो प्रेस पर एकार्ड एमक जॉन मुजली के द्वारा, कब, तो 1946 ईस्वी में। और प्रोग्रामिंग करने के बाद जो होता है कंप्यूटर में समस्या को हल करने के लिए अनेक पद होता है, उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टेप्स कहते हैं। और वही कमांड उसमें दिया जाता है कि किस प्रकार से वर्क करना है, इन्हीं निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर से समझने योग्य भाषा जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में दो कंप्यूटर भाषाएं प्रचलित थी। यह जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में था। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, कल जो है उमेश स्टडी एप्लीकेशन पर एक टेस्ट लिया जा रहा है जो सभी के लिए ओपन टेस्ट है। जो बैच को परचेज किया है वो भी, और जो बैच को परचेज नहीं किया है वो भी, सभी के लिए है। आप बिहार लाइब्रेरी बैच 2 जो है उसमें जाकर के आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं और अपने स्कोर को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी जो 1955 से 1964 तक के दौर रहा है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।